ये तो कहते हैं आजकल मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर ए टट्टी, तेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम है गौरव। तो गाइस अभी हम लोग हैं हमारे टाउन ऑनलाइन पे एंड हमारी फिलहाल यहाँ पे बहुत तगड़े क्लैन के साथ एक वॉर लगी है। एंड अगर हम लोग देखेंगे हमारे हीरोज तो बार्बेरियन किंग है हमारा लेवल 30 का और आचक मीन है लेवल 22 की। तो क्वीन को हम लोगों को 8 लेवल से बढ़ाना भी है इस अकाउंट के ऊपर। फिलहाल बढ़ते गाइस वॉर की तरफ। हमारी एक यहाँ पे थाईलैंड के क्लैन के साथ वॉर लगी है एंड बेसिस बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। तो गाइस आज हम लोग टाउन हॉल लाइन से वॉर अटैक्स करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का नाम है हाफ एयर हाफ ग्राउंड, जिसमें इक्वल अमाउंट में आप लोग ग्राउंड ट्रूप्स लेते हो और इक्वल अमाउंट में एयर ट्रूप्स लेते हो। यस, एंड सीसी में हम लोग यूज करने वाले हैं बॉलर्स। तो गाइस आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एंड ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक स्ट्रेटजी है। तो गाइस आज की वीडियो में एम करते हैं 9000 लाइक्स के लिए। टाउन हॉल लाइन है इसीलिए कि हम लोग कर पाएंगे 9000 लाइक्स 24 घंटे के अंदर। तो गाइस एम करते हैं आज 9000 लाइक्स के लिए 24 घंटे के अंदर ट्राई करते हैं। एंड हाँ, उसी के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बहुत जल्दी 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे अगर आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करोगे तो। एंड अगर आप लोग वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं वॉर की तरफ। वॉर में बढ़ने से पहले 2 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि ये वल्कायरी रियल लाइफ में कौन से सेलिब्रिटी से ज्यादा मैच करती है। तो हम लोगों ने वहां पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ मैच करवाया एंड सबसे ज्यादा परसेंटेज मिले एमा वॉटसन को। क्या हमारी वल्कायरी सच में एमा वॉटसन जैसे दिखती है? एक बार कमेंट करके बताओ। एंड ये लोग कौन है भाई, लिटरली आर यू किडिंग मी, 49% लोगों ने करण जौहर को वोट किया कि हाँ करण जौहर वल्कायरी जैसे दिखता है। अबे मजाक हो रहा है क्या? ये करण जौहर क्या कर रहे हो यार? साला यही सब देख के तो लगता है कि दुनिया अगर कल खत्म हो रही हो तो आज ही खत्म हो जाए। तो गाइस मुझे आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताओ वल्कायरी कौन सी सेलिब्रिटी जैसे दिखती है। तो गाइस अभी बढ़ते हैं वॉर की तरफ। ओके ओके, सो हाफ एयर हाफ ग्राउंड आर्मी ये है गाइस हमारी बेसिकली। इसमें 2 गोलम्स, 2 लावा हॉर्न्स, 6 विजर्ड्स, 12 बलून्स, 5 यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं वॉल ब्रेकर्स। चाहे आप लोगों को चाहिए तो ले लो या फिर 2 बलून्स ले लो। एंड यहाँ पे स्पेल कॉम्बिनेशन देख लो, 1 हिल, 1 रेज, 1 जंप, 3 हेस्ट स्पेल और 1 पॉइजन है सीसी में और सीसी के मैक्स बोलस। तो ये है गाइस हाफ एयर हाफ ग्राउंड की आर्मी। अभी सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं नंबर 10 पे, एक बार स्काउट करेंगे मिंटी रिंकी। रिंकिया के पापा ही हंस दे। तो गाइस ये वाला बेस है एंड इस बेस के ऊपर हम लोगों को अटैक करना है 3 स्टार। देखो यार इस स्ट्रेटजी में आप लोग करना क्या होता है, ग्राउंड आर्मी के साथ एनिमी की क्वीन को उखाड़ के फेंकना होता है। देन उसके बाद सिंपल लावा लून स्टार्ट कर दो, 2 लावा हॉर्न एंड पीछे से 12 बलून्स, दैट्स इट। बहुत सिंपल है। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में करना क्या है, ग्राउंड ट्रूप्स के साथ आप लोगों को एनिमी की क्वीन और कम से कम 2 एयर डिफेंसेस डाउन करने हैं और सीसी। ये 3 चीजें डाउन करनी है, 2 एयर डिफेंस, एनिमी क्वीन और सीसी। तो ये 2 चीजें डाउन होने के बाद आप लोग लावा लून स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस मैं आप लोग यहाँ पे प्लान बता देता हूँ करना क्या है। इसके ऊपर 1 गोलम, इसके ऊपर 1 गोलम, यहाँ पे 1 वॉल ब्रेकर टेस्टिंग के लिए। देन उसके बाद सभी के सभी वॉल ब्रेकर्स, हीरोज आएंगे, बोलर्स आएंगे, बोलर्स कोर में यहाँ पे जंप आएगा तो हमारे हीरोज यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन साइड में भी भटक सकते हैं, पता किसको है, लेकिन स्टिल हम लोग होप करके चल रहे कि अंदर जाएंगे जंप स्पेल से। तो क्वीन मिल जाएगी, सीसी मिल जाएगी, ये 1 2 3 4 5 6 ये डिफेंसेस, होप कि ये भी मिल जाए, मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को मिलेगी। देन उसके बाद यहाँ पे लावा हॉर्न डालेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में 1 लावा हॉर्न, मतलब यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे 2 बलून्स, यहाँ पे 3 बलून्स, यहाँ पे 2 बलून्स, यहाँ पे 1 लावा हॉर्न, यहाँ पे 3 3 4 4 बलून्स, दैट्स इट। इतना ही करना है, बाकी आगे हम लोग देख लेंगे हेड स्पेल कहाँ पे डालना है सिचुएशन देख के। ओके okay. तो गाइस ये है हमारा प्लान बेसिकली। तो अभी हम लोग चलते हैं अटैक के लिए। Let's get ready to rumble! तो गाइस आर यू रेडी, चलते हैं अटैक के लिए, देखते हैं क्या होता है। ओके स्टार्टिंग में हम लोग डालेंगे यहाँ पे 2 गोलम्स, 1 विजर्ड यहाँ पे, 1 विजर्ड यहाँ पे, 1, अरे ये क्या हो गया, 1 वॉल ब्रेकर टेस्टिंग के लिए, 2 वॉल ब्रेकर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ पे डाल देंगे हम लोग हमारी सीसी। अरे भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल का कांड है। ये चीज हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये चीज यहाँ पे हो भी सकती है। यहाँ पे कुछ एक पॉइजन आएगा, यहाँ पे एक रेज डाल देते हैं ताकि हम लोग एनिमी की क्वीन को डाउन कर पाए। ये चीज मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी यहाँ पे कि ये चीज हो सकती है हमारे साथ। कम ऑन, ले लो ले लो ले लो, यस मर गई, चलो सही है। ओके हमारा ये पहला ही अटैक है और
पहले ही अटैक में हमारे एल लग चुके हैं, पूरी तरीके से लग चुके हैं। तो यहाँ पे देते हैं क्वीन को एबिलिटी, तीन चार चार बलून्स, पीछे से दो लावा हॉर्न्स, यहाँ पे चार बलून्स, यहाँ पे एक हेस्ट यहाँ पे एक विजर्ड, इनको देंगे एबिलिटी, यहाँ पे एक हील स्पेल आएगा। ओके, क्या हम लोग स्टिल निकाल पाएंगे गाइस? यहाँ पे एक हेस्ट आएगा, कम ऑन, हम लोगों ने जैसा प्लान सोचा था वैसा बिल्कुल हुआ नहीं है। यहाँ पे पता नहीं है हम लोग कर पाएंगे या फिर नहीं। कम ऑन बलून्स, बलून परेड, कम ऑन, चाहिए चाहिए चाहिए, तीन चाहिए तीन चाहिए, कम ऑन बलून, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे भाई बहुत कम डिफेंस बचे यार, क्या हम लोग कर पाएंगे इस बेस को थ्री स्टार? तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे जो प्लान किया था वो प्लान यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने पता नहीं कैसे संभाल लिया इस अटैक को। भाई साहब भगवान हमारे साथ है यार, जैसे प्लान किया था वैसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन स्टिल थ्री स्टार आ गया। इतनी पावरफुल अटैक स्ट्रेटजी ये। अगर हमारे बॉलर्स अंदर चले जाते तो हम लोग बॉलर्स के ऊपर हील यूज करते, लेकिन बॉलर्स भटक गए, इसीलिए हम लोगों ने हील स्पेल बॉलर्स के ऊपर यूज नहीं किया, एंड जैसे तैसे अटैक को बचा लिया हम लोगों ने। चलो अच्छी बात है, अभी नेक्स्ट बेस के ऊपर चलते हैं, एंड इस बार ऐसा कांड नहीं होना चाहिए। तो गाइज हमारा नेक्स्ट बेस है नंबर 7, तो नंबर 7 पे आते हैं। ओके, तो इस बेस के ऊपर करने वाले हम लोग अटैक, ये भी बड़ा खतरनाक बेस है भाई। इस बार हम लोग वॉल ब्रेकर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता वॉल ब्रेकर यूज करने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत है। स्टार्टिंग में इसके ऊपर एक गोलम यहाँ पे, नहीं यहीं पे डालेंगे, यहाँ पे जंप आएगा, गोलम यहाँ पे और दूसरा गोलम यहाँ पे, पीछे से दो तीन विजर्ड्स डाल देंगे। ओके, इसके ऊपर एक विजर्ड डालना पड़ेगा ताकि हमारे हीरोज ना भटके अंदर की तरफ चले जाए। बोलस डालेंगे, तो अंदर आने के बाद ये सेक्शन, ये एक एक्सबो, ये एक एयर डिफेंस, ये क्वीन मिल जाएगी, एंड ये एयर स्वीपर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा लावा लून, यहाँ पे एक लावा हॉर्न डालेंगे, पीछे से बलून्स, यहाँ पे एक लावा हॉर्न, पीछे से बलून, दैट्स इट। इस बार वॉल ब्रेकर हम लोग बिल्कुल नहीं यूज कर रहे, तो देखते क्या होता है इस अटैक में। तो चलो चलते हैं अटैक के लिए, देखते क्या होता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे एक गोलम आएगा, एक विजर्ड यहाँ पे, एक विजर्ड यहाँ पे, एक और गोलम, एक विजर्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक जंप आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे हमारे हीरोज। बस 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 अंदर जाना प्लीज 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 अंदर जाना। यहाँ पे एक डाल देते हैं विजर्ड ताकि क्वीन ना भटके। यहाँ पे एक पॉइजन स्पेल आएगा, यहाँ पे एक हील, ओके ओके सर जी, यहाँ पे एक रेज आएगा, यहाँ पे देंगे हम लोग किंग को एबिलिटी, रेस्ट इन पीस माय बोलर्स। यस 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 यस, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें मिल रही है, अच्छी बात है अच्छी बात है। टेस्ला फार्म कहाँ पे भाई साहब इनका? टेस्ला फार्म निकला नहीं है, कांड होने वाला है। टेस्ला फार्म कहाँ है इनका? कुछ भी नजर नहीं आ रहा हमको। इनको देंगे एबिलिटी, यहाँ पे एक हेस्ट, यहाँ पे एक हेस्ट, यहाँ पे एक बलून। ओ ओ ओ ओ, अच्छा साहब जी, तो यहाँ पे है इन भाई साहब का टेस्ला फार्म। यहाँ पे एक हेस्ट आएगा, कम ऑन बलून्स, यहाँ पे एक विजर्ड, क्या हम लोग कर पाएंगे थ्री? अरे ये क्या मैसेजेस आ रहे भाई, कम ऑन, बहुत ही कम बलून्स बचे हैं, बहुत ही कम। ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं, मे बी। भाई साहब ये हो गया गाइज, हमारा यहाँ पे थ्री स्टार टेस्ला फार्म था उसका वहां पे। चलो सही है गाइज, ये भी मिल चुका है हम लोगों को थ्री स्टार। तो गाइज ये है स्ट्रेटजी हाफ एयर हाफ ग्राउंड। ग्राउंड आर्मी के साथ आप लोग करना क्या होता है, ग्राउंड आर्मी में आप लोगों को एनिमी की क्वीन डाउन करनी है, सीसी डाउन करनी है और दो एयर डिफेंस कम से कम डाउन करने हैं, दैट्स इट। ये दो आर्चर्स डाल दिया हम लोगों ने, ये आ गया गाइज हमारा थ्री स्टार अटैक यहाँ पे।
बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक स्ट्रेटजी है। हो गया गाइज हमारा थ्री स्टार अटैक। तो गाइज आप लोग बताओ, आप लोग टाउन हॉल लाइन पे कौन सी वॉर अटैक स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो? फिलहाल हम लोग तो यही यूज कर रहे हैं, हाफ एयर हाफ ग्राउंड, जो एक ही स्ट्रेटजी है जो मुझे लगता है पावरफुल है। मैस हॉग एक हो गई और गो हॉग हो गई, गोवा हो गई, एच जी एच बी एक है, क्वीन चार्ज लावल उन क्वीन चार्ज हॉग, बहुत सारी स्ट्रेटजी, वल्गरी एक स्ट्रेटजी हो गई टाउन हॉल लाइन पे। तो गाइज ये थी हमारी हाफ एयर हाफ ग्राउंड अटैक स्ट्रेटजी टाउन हॉल लाइन के लिए। एंड आज का लाइक हम तो पता है ना यार आप लोगों को, आज हम लोग कर रहे हैं 9000 लाइक्स। तो गाइज बस यार आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।